GTH News, आपकी ताकत। जानते हैं वार्ड नंबर 71 की जनता से कि वो अपने पार्षद के काम से कितने खुश हैं। तो जो यहाँ के पार्षद हैं मनवीर सिंह नागर, उनके कार्य से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ का रोड हो, पार्क हो, पब्लिक हो, जो भी सेवा हो, बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, जो कोई अपना परिवार निभाता है। इस तरीके से उन्होंने पूरा सेक्टर 23 क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छा निभाते हैं। सड़कों के लिए उन्होंने क्या कार्य करवाया? बहुत अच्छा किया, सड़क बनवाया, सड़क में कचरे भर रहे पड़े थे वो सब हटवाया उन्होंने, सारे पार्क ने ठीक करवाया। और जो पब्लिक जाके बोल दे हमारा ये काम है, कहने से पहले वो काम हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वो सुनते ज़रूर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी के भी, ये नहीं है हमारे आपका, जो ना भी हैं उनके बस में वो भी करवा देते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं। अब बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे परिवार हैं, बहुत ही अच्छे सभासद हमें मिला है। नहीं तो आज तक हम यहाँ आ गए, इतने साल हो गया, आज तक मैं कभी सभासद को देखा ही नहीं, कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन हम पहली बार बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा सभासद मिला है हमें, और कैसे बताएं, जितना तारीफ करें वो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं, अच्छी तरह। सड़कें आप देख रहे हो कैसी हो रही हैं, पहले कितनी टूटी फूटी हुआ करती थी और अब सड़कें इतनी अच्छी, लाइन बदल रही है हर चीज़ में, हर जगह। जो पानी की निकासी है उसकी क्या व्यवस्था है? वो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर पानी नहीं जमता, सड़कें बनी हैं, पार्क बहुत सुंदर बना दिए उन्होंने, लगता है बस रहने लायक, बहुत अच्छा। उनके काम अच्छे हैं, उन्होंने पार्क वगैरह में काफ़ी झूले वगैरह लगवाए हैं, सड़क भी साफ कराई है, गंदगी काफ़ी कम किया है, नाली वगैरह साफ कराते, ये सब काम करते रहते हैं, और सारा मोहल्ला उनके काम से बहुत संतुष्ट है। वैसे आपका क्या कहना है इस पर? बहुत बढ़िया काम है। एक्चुअली मैं भी BJP को ही बिलोंग कर रहा हूँ, और उनके काम में कहीं भी कोई कमी नहीं है। एक तो उनका व्यवहार इतना बढ़िया है कि जरा सा भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो तुरंत खड़े होते हैं, उस काम को कराते हैं। बहुत बढ़िया काम है, हर तरफ, हर इलाके में जहाँ भी उनका क्षेत्र है वो काम करते हैं। जो यहाँ के पार्षद हैं मनवीर सिंह नागर जी, उनके कार्य से आप कितने खुश हैं? जी उनके कार्य से बहुत खुश हूँ, और ये वार्ड 71 बहुत अच्छा वार्ड है, आदर्श वार्ड है ये। उन्होंने यहाँ पे क्या कार्य करवाए? उन्होंने यहाँ पे सारी लाइट और पार्क का जितना भी काम है बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, सड़कें और पार्क बहुत अच्छे बना दिए हैं, और लाइट बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, पूरा आदर्श वार्ड है ये। जो यहाँ के पार्षद हैं मनवीर सिंह नागर जी, उन्होंने जो पार्क में जो काम करवाए हैं उससे आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। और उन्होंने जो यहाँ पे अपने क्षेत्र के जितने भी काम करवाए हैं उन सब चीज़ों से आप क्या कहना चाहेंगे? उससे हमें वहाँ पे बहुत मतलब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी मिली हैं, क्योंकि उन्होंने वो यहाँ पे सही हर जगह LED लाइट्स लगवाई हैं जिससे रोशनी रहती है, कोई मतलब थेफ्ट वेफ्ट का कोई वो नहीं है डर वर। तो ये थी वार्ड नंबर 71 की जनता की राय उनके पार्षद मनवीर सिंह नागर के बारे में, कि उन्होंने जो कार्य करवाए हैं बहुत ही अच्छे कार्य करवाए हैं, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ें तो वो नहीं वह विजयी बनाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 71 से निगम पार्षद मनवीर सिंह नागर जी, जो कि 2007 में भी पार्षद के चुनाव जीत चुके हैं और पार्षद दल भाजपा के नेता भी हैं, और ये कवि नगर जोन के चेयरमैन भी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनके कार्यकाल के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे जब आप यहाँ के पार्षद बने थे उससे पहले इस क्षेत्र में क्या समस्याएं रही हैं? जब पहली बार हम पार्षद यहाँ से बने थे तब यहाँ सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे और पार्कों की दीवारें टूटी थी, उनमें गाय बिजार घुमा करते थे, और पानी की व्यवस्था भी बिल्कुल ख़राब थी, सड़कों में गड्ढे थे और पानी की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था पानी की ख़राब थी, और इसी में हमने सारे कार्य कराए हैं। अब आप पूछो इसमें जो। तो जब आप यहाँ के पार्षद बने हैं तब से लेकर अब तक आपने यहाँ पे क्या कार्य करवा चुके हैं? मेरे क्षेत्र में 28 पार्क हैं, 28 पार्कों की दीवार बनवाकर उसमें घास लगवाना, पेड़ पौधे लगवाना, उनकी देखरेख कराना, उनमें पानी का इंतजाम कराना, उनमें समरसेबल लगवाना। मेरे यहाँ कम से कम भी 28 पार्क है, 28 पार्कों में से मैं 20 पार्कों में
पानी का इंजाम समरसेविल द्वारा करा दिया गया है और बाकी में कनेक्शन अलग से करा दिए गए हैं। आपको कितना बजट सेंक्शन हुआ था नगर निगम से और अब तक कितना इस्तेमाल कर चुके हैं? नगर निगम से पिछली योजना में हमारा जो बजट है वो बहुत कम हुआ करता था, तो GDA यहाँ पे गाजवाज विकास प्राधिकरण है, उसमें से मैं पिछली बार 7 करोड़ रुपए ला करके इस क्षेत्र का पूरे का अपने के सड़कें और पार्कों के निर्माण उससे कराए थे पिछली योजना में। और आपने अपने क्षेत्र में सड़कों के विकास कार्य के लिए क्या काम करवाए हैं अपने क्षेत्र में? अब की योजना में मेरे पूरे क्षेत्र की टोटल सड़कें बन चुकी हैं, एक भी सड़क पेंडिंग नहीं है, इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य है और अपनी जो रोड बनती है तारकुल के द्वारा जो बनाई जाती है हमारी, वो सारी हमारी कंप्लीट पूरी बन चुकी हैं। एक भी रोड कंप्लीट मतलब इनकम्प्लीट नहीं है, सारी रोड कंप्लीट है, पूरे पार्क कंप्लीट हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात इस टाइम नहीं है। पूरे 80 वार्डों में अपने वार्ड को बहुत अच्छा वार्ड समझता हूँ। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में पानी की निकासी की व्यवस्था सही ना हो तो घरों में पानी भर जाता है, सड़कों में भी पानी आ जाता है, जिससे सड़कों को भी काफ़ी परेशानी होती है, तो आपने अपने क्षेत्र में पानी की निकासी की क्या व्यवस्था करवाई है? हमारे पानी जो बरसाती नाले हैं वो सारे हमने बनवाए, कुछ नए नाले पिछली योजना में बनवाए थे, कुछ अब की योजना में पूरे नाले बनवाए हैं और कुछ RCC के नाले बनवाए हैं। जी ब्लॉक में एक RCC का नाला बना है, एक H ब्लॉक में RCC का नाला बना है, अभी जी ब्लॉक की टंकी से लेकर के H और जी के चौराहे तक एक और RCC का नाला पास हुआ है जो कि आचार संहिता के बाद बनेगा। जैसे कि देखा जाता है नाले कहीं किसी जगह पे खुले रहते हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या नाले ढके हुए हैं या खुले हुए हैं? मेरे यहाँ कोई नाला बिल्कुल भी एक भी नाला ऐसा नहीं है जो ढका ना हो, सब नाले ढके हैं और बरसाती नाले हमारे खुले होने चाहिए सफाई की व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन वो फिर भी कवर हैं, उठा के साफ कर दिए जाते हैं। अब बात आती है कूड़े की, अगर किसी क्षेत्र में जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है अगर सही समय पर नहीं हटवाया जाए तो बदबू आती है, बीमारी होती है, साथ ही साथ जो जानवर होते हैं जैसे हमारी गायें होती है वो भी वहाँ पे गंदगी खा लेती है, तो यहाँ का जो कूड़ा है वो कहाँ इकट्ठा होता है और कितने दिनों में वहाँ से हटवाया जाता है? पिछली योजना में तो हमारे वार्ड में ही पड़ता था और वार्ड से उठा के अब की योजना में भी और पिछली योजना में ही पहले ही वार्ड से बाहर निकाल करके हमने वो सारा कूड़ा निटरा की एक दीवार है उसके साथ एक कूड़ाघर बनाया जो वार्ड से बिल्कुल दूर पड़ता है, बिल्कुल सफाई व्यवस्था रहती है और वहाँ से वो हाथ के हाथ उठवा दिया था। नगर निगम की समस्या मेरे वार्ड में कोई ऐसी है नहीं जिससे कि हमारे यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो सके। अब बात करते हैं पानी की, तो आपके क्षेत्र में पंप कितने हैं और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जब हम शुरू में पार्षद बने थे तब मात्र 4 ट्यूबवेल थी, इस टाइम बड़ी 7 ट्यूबवेल और 9 10 HP के पंप लगते हैं, जो 10 HP के पंप होते हैं वो सीधे डायरेक्ट लाइन में जाते हैं, 4 इंची के एक बोर होता है वो सीधा डायरेक्ट लाइन में जाता है और पानी के समय खोल दिया जाता है, उससे हम 24 घंटे में कभी भी जब कोई फंक्शन होता है कभी भी हम पानी ले सकते हैं। जैसे कि जब रात में अंधेरा हो जाता है या फिर महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, तो अगर अंधेरा रहे तो काफ़ी परेशानी रहती है, तो आपने अपने क्षेत्र में उसके लिए कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगवा चुके हैं अभी तक? मेरे अपने क्षेत्र में कम से कम भी 5 हमारे चौराहे तिराहे पड़ते हैं, हर चौराहे पर हर तिराहे पर मेरे यहाँ जो हाई मास्क है वो लगे हुए हैं और पूरा रोड सारी लाइटें लगी हुई हैं सब में पूरे रोडों पर। जैसे कि अभी कुछ महीनों बाद आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो क्या कार्य बाकी रह चुके हैं करने के लिए? अभी मेरे यहाँ कम से कम 50-55 लाख रुपए का L ब्लॉक में इंटरलॉकिंग टाइल का काम होना है जो कि प्रस्तावित है, जो कि सेंक्शन हो चुका है, आचार संहिता की वजह से रुक गया, वो होना है और सड़कें जो थोड़ी सी रह गई हैं जिनकी फाइलें कम्प्लीट हैं सिर्फ आचार संहिता की वजह से रुकी हुई हैं, वो सारा इसी के तुरंत बाद ही मार्च में ही वो काम चालू हो जाएगा। अब जैसे कुछ महीनों बाद पार्षद के चुनाव होंगे, अगर आप उसमें हिस्सा लेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरे अपने क्षेत्र में कोई कार्य ऐसा पेंडिंग नहीं है, मैं कोई ऐसा वार्ड ढूंढूंगा जिसमें बहुत सारे काम हो, अपने वार्ड को छोड़कर ऐसा वार्ड ढूंढूंगा जिस वार्ड में कार्य ना हुए उस वार्ड के कार्यों को पूरा कराऊंगा। मेरे क्षेत्र में एक यहाँ पर शिल्प उद्यान के नाम से एक पार्क है जिसमें कम से कम भी हजारों आदमी घूमते हैं, वो GDA के द्वारा डेवलप कराया, एक मेरी ही बराबर में जस्ट साइड में काम चल रहा है जो बारात घर है यहाँ पे, वो भी 5-7 वर्षों से ऐसे ही पड़ा था, उसका निर्माण कराया जा रहा है जिसमें योग साधना केंद्र और वृद्धों के लिए भी रखा गया है उसमें। आपने कहा कि आप किसी और वार्ड में जाएंगे, तो आपके वार्ड का ख्याल कौन रखेगा फिर तब? मेरी जो प्राथमिकता है ये कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वार्ड में काम कराया जाए, मैं ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ूं कि जिसमें कार्य पेंडिंग हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इस वार्ड को कोई देखेगा नहीं देखेगा, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां पर कार्य ज़्यादा हो, उस कार्य को मैं करा सकूं।
जब आप यहाँ के पार्षद बने 2007 में और फिर 2012 में, तब आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करवाए? पिछली योजना में जगह जगह पानी भर जाया करता था, गड्ढे हुआ करते थे सड़क के किनारे, वो भी सब ठीक हो गए। जो पानी भरता था नालों में उसका लेवल बिल्कुल सही नहीं था, उसका लेवल सही कराने के लिए पिछली योजना में कुछ कार्य कराए, जो जीएच के नाले वो पूरे कराए। पिछली योजना में एल ब्लॉक हमारा एक पड़ता है यहीं पे, मेरे यहाँ चार ब्लॉक हैं, चार ब्लॉकों में एक एल ब्लॉक ऐसा जिसकी पानी का निकासी नहीं थी। एक हमारा निटरा है, उसकी निटरा की दीवार के साथ साथ बहुत एक लंबा नाला बनवाया, जीडी के द्वारा बनवाया, बचा हुआ पानी उससे निकाला गया। और अब की वाली योजना में भी जो बाकी नाले रह गए थे उनको पूरा कराया गया, एक जगह भी कहीं पानी की निकासी में कोई दिक्कत का कार्य मेरे यहाँ नहीं है, पानी भी निकल जाता है, बड़े आराम से निकलता है। आपने अपने क्षेत्र में ग्रीनरी के लिए क्या कार्य करवाए हैं? ग्रीनरी के लिए हमारे यहाँ पिछली बार जब देखा गया तो पार्कों की दीवारें बिल्कुल टूटी पड़ी थी और कहीं भी पार्कों में कोई घास नहीं थी, कुछ नहीं, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं थे, सारी दीवारें पार्कों की ठीक कराई। मेरे यहाँ चार ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉकों में 28 पार्क हैं, 28 पार्कों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, गंभीर थी, जिसमें गाय बाजार घूमा करते थे। एक एक पार्क को बिल्कुल सही तरीके से उसकी दीवारें सही करा कर, प्लस्तर करा करके उनको ठीक करा गया। ठीक कराने के बाद में उसमें फिर उसके बाद हमने लगाए, उसमें पेड़ पौधे लगवाए गए, घास लगवाई गई और सारे बिल्कुल ठीक हुए। उसके बाद अब की योजना में एक मेरे नेटरा की दीवार के साथ साथ बहुत बड़ी एक हमारी एक ग्रीन बेल्ट पड़ी थी, उस ग्रीन बेल्ट का लोग मिसयूज कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते थे, और अपने घरों का कूड़ा भी उसी पर डाल दिया करते थे। इसी योजना में, अब की वाली योजना में, अब से पिछली वर्ष ही मैंने उसके सारे टोटल वहाँ से उसका कूड़ा उठवाया, कूड़ा में कम से कम 200 या 150 ट्रक उसमें कूड़ा निकला होगा जो उठवा के यहाँ से बाहर फेंकवाया गया। उसकी फिर तारबंदी कराई गई, तारबंदी कराकर फिर उसमें पेड़ पौधे लगाए गए और उसमें घास लगाई गई। घास के बाद में उसमें दो समरसेबल पंप लगाए गए, दोनों समरसेबल पंप बिल्कुल तैयार है और चालू हालत में है और अब उसमें पानी देना शुरू हो गया। और अगल आने वाले समय में ग्रीनरी के लिए और बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे घूमने की भी साधन नहीं था, पहले कोई घूमने का साधन नहीं था, कोई पार्क नहीं था, एक बहुत बड़ा पार्क जहाँ की 2.5 लाख की आबादी में कोई घूमने के लिए सेंट्रल पार्क जाने के लिए हमको जाना पड़ता था, यहाँ से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता था, 3.5 किलोमीटर सेंट्रल पार्क, उसमें लोग जाते थे। GDS एक पार्क ऐसा अविकसित पड़ा था, उसको GDS द्वारा विकसित कराकर उसमें आज कम से कम हजारों व्यक्ति उसमें घूमने के लिए जाते हैं। एक वो भी ग्रीनरी का बहुत अच्छा पार्क हमारे बना जिसका नाम शिल्प उद्यान है। आपने अपने क्षेत्र में सीवर के लिए क्या करवाया? मेरे क्षेत्र में पिछली योजना में जब हम पार्षद बने थे तब सीवर की हालत ये थी कि जगह जगह पानी सीवर का उबलता था और लोगों के घर में घुस जाता था। उसकी सारे उसको मरम्मत कराई गई, पूरी लाइन की मरम्मत कराई गई। सीवर में एल ब्लॉक तो एक ऐसा पड़ता है जिसमें घरों में बिल्कुल पानी घुसता था, एन ब्लॉक एक ऐसा है जिसमें घरों में पानी घुसता था। उनमें दो ब्लॉक तो बिल्कुल ऐसे थे जो जिनमें लोगों को अपना घर का खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन उसकी एक एक सीवर साफ कराया गया। सीवर साफ कराने के बाद उनकी मरम्मत कराई गई, मरम्मत कराने के बाद में आज सीवर की भी कोई समस्या मेरे क्षेत्र में है नहीं। अपने वार्ड को मैं बिल्कुल 80 वार्डों में सबसे अच्छा वार्ड मानता हूँ और ना ही मुझको इस बात की कोई परेशानी है। कोई आकर के पहली योजना में जब हम खड़े होते थे कहीं तो खड़ा होना हमको मुश्किल हो जाता था, लोग कहते थे कि हमारा सीवर ख़राब है और हमारे घर में पानी भर रहा है, हमारा पानी नहीं आ रहा है, हमारे पार्क की ये समस्या है हमारे सामने। आज की डेट में जितने आराम से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ मुझको लगता है कि वास्तव में काम करने का अलग ही नतीजा है, जिसने काम किया है उसको कोई भी दिक्कत कभी आती नहीं है। आपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए क्या करवाया है? मेरे क्षेत्र में जितना भी अतिक्रमण हुआ पड़ा था जिसमें खंभे लगे हुए थे बिजली के, वो सड़क की तरफ ज़्यादा थे और सड़क की तरफ जब खंभे ज़्यादा थे तो लोगों ने अपनी जगह तक उसको समझ के मानकर उसमें जाल लगा लिए, वो सारे जाल हटवाए, जाल हटवा कर नाला निर्माण करवाया, नाला निर्माण करवा के सड़क के और नाले के बीच में इंटरलॉकिंग टैल लगवाई। टैल लगवाने के बाद में अब बचते हैं सड़क के चौड़ीकरण के लिए, थोड़ा सा दिक्कत आई कि हेडल के खंभे हटवाए जाए बिजली के द्वारा। हेडल में मैंने बार बार लिख कर दिया कि इनको खंभों को थोड़ा बदलवा दें क्योंकि NLT द्वारा है काम चल रहा है, तार भी बदलवाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया और वो खंभा आज भी एक लटका पड़ा, एक टूटा पड़ा जो बिल्कुल सड़क के बीच में है। अतिक्रमण तो बिल्कुल हटवा चुके हैं हम, लेकिन अब सड़क चौड़ीकरण के लिए उसमें हेडल डिपार्टमेंट हमको सहयोग नहीं कर रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ पार्षद मनवीर सिंह नागर जी, जिनका कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं और जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो जो 1.5 करोड़ का उन्हें बजट सेंक्शन हुआ है उसका कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। मैं मोनिका कुकरेती कैमरा पर्सन शिवम शर्मा के साथ GTH न्यूज़। GTH न्यूज़, आपकी ताकत।